हेलो स्टूडेंट्स, सो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड काफी सारे स्टूडेंट की इंक्वायरी जा रही है रिगार्डिंग द CUET एग्जामिनेशन, स्पेशली रिजल्ट एंड कट ऑफ, और क्या एडमिशन पोर्टल कैसे ओपन होने वाला है। हालांकि आप सभी के लोगों को जो हम बता रहे हैं पिछले कितने दिनों से कि भैया बहुत सारे कॉलेजों के पोर्टल ओपन हो चुके हैं, तो यार आप इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान रखें, बिकॉज जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज है उनमें जो एडमिशन है वो अभी ऑलरेडी रनिंग के अंदर है, और ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेज हैं जो कि डायरेक्टली भी एडमिशन दे रहे हैं, CUET के थ्रू भी दे रहे हैं। स्पेशली यार आज अपन बात करते हैं CUET के रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब आने वाला है आपका। तो यार आपकी जो आंसर की है वो इसी वीक के अंदर रिलीज की जाएगी, ये काफी सारे न्यूज पेपर्स के अंदर भी नोटिस आ चुका है इसके रिगार्डिंग, और अभी लगातार वैसे आर्टिकल तो रोज छपते रहते हैं, ये प्रेस वाले फेक भी छापते रहते हैं। आज भी अभी मैं एक ये NDTV एजुकेशन का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जो है आज इसकी आंसर की रिलीज की जाएगी CUET UG की। लेकिन यार जस्ट अगर अपन माने तो CUET जो UG की जो आंसर की है वो आप मान के चलो टिल इस वीक के अंदर रिलीज कर दी जाएगी। आंसर की रिलीज करने के बाद आपको जो है कम से कम ये मान के चलो कि एक वीक तक का तो टाइम ये लोग लगा ही देते हैं। आंसर की में जो भी आपका ऑब्जेक्शन होता है, जो आपको लगता है कि आपका आंसर सही है और एंटी का आंसर गलत है, तो आप उसका जो सॉल्यूशन है वो सबमिट कर सकते हैं। आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट या फिर रिजल्ट जो आपका डिक्लेयर कर दिया जाता है। ओके, अब यार कट ऑफ किस बेसिस पे बनेगा और ये जो कट ऑफ किस प्रकार से डिसाइड होगा, तो थोड़ा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं आज अपन, राइट। सो यार जैसे मान लो कोई कोर्स है आपका BSc आपका एक कोर्स है, ठीक है, मान लो आप DU से BSc एक कोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो BSc के अंदर बेसिकली क्या क्या सीन होता है, अगर मैं बात करूँ यार BSc के अंदर, तो BSc के अंदर आपके पास जो है बेसिकली आपको जो है तीन चीजें आप कंसिडर करते हो, ठीक है। तीन चीजें आप क्या क्या कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि आपका एक तो लैंग्वेज हो गया, देन जो आपके आई थिंक तीन डोमेन हो गए, ठीक है। तो एक का अगर 40 है, ठीक है, एंड 40 × 5 अगर अपन करें तो 200 मार्क्स होता है, तो टोटली पेपर कितने का बन गया, 200 प्लस 600 800 का हो गया, राइट। सो आपको किस बेसिस पे कितने मार्क्स क्राइटेरिया रहता है, यार अगर अपन बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो DU के अंदर जो इतने साल जो एडमिशन होते थे कट ऑफ कितने परसेंटाइल रहता होगा, आपको क्या लगता है गाइस। DU के अंदर जो 99.99% से कट ऑफ रहता है, 100% भी कट ऑफ रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, स्पेशली BSc वगैरह कोर्सेज के लिए जो 12th बेसिस पे इतने साल जो एडमिशन होते थे, ओके, उनमें जो परसेंटाइल है वो काफी ज्यादा हाई रहता था। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज द इंडिया का आप मान के चल सकते हो IIT के लेवल का कॉलेज है, NIRF रैंकिंग इसकी 2-3 के आसपास रहती है, ओके। अगर अपन बात करें जस्ट लाइक कुछ कोर्सेज की, जैसे एक कोर्स होता है जिसके अंदर मान लो एक लैंग्वेज होता है, दो डोमेन होते हैं और एक टेस्ट होता है, ओके, जनरल टेस्ट। तो अगर अपन बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, जस्ट लाइक 40 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 40 × 5 अगर अपन करें तो 200 का हो गया, ओके। उसके बाद हमारे जो डोमेन होता है, मान लो एक डोमेन 200 का है, तो दो डोमेन होते हैं 400 का हो गया, एक टेस्ट हो गया, ठीक है, एक टेस्ट के अंदर जो भी है 300, ओके, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए 900। अब आपको इनके अंदर कितना स्कोर करना पड़ेगा, राइट। सो यार अगर आप जस्ट लाइक टॉप कॉलेजों की अगर अपन बात करें, आप अगर टॉप करीम के अंदर रहना चाहते हो, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, BHU हो गया, GNU हो गया, तो इनमें आपको जो एटलीस्ट ट्राई करो कि जस्ट लाइक जो 800 मार्क्स का अगर आपका पूरा टोटल बन रहा है, स्पेशली मान लो BSc के लिए 800 का आपका बन रहा है, ठीक है, BA के लिए आपका 900 का बन रहा है, तो इन आप उसका 90% 95% आपको लाना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। तो उस बेसिस पे जो है आपका सिक्योर है कि आपको टॉप ब्रांचेस टॉप कॉलेज में मिलने के पूरे पूरे चांसेस आपके बन जाते हैं, ओके। इसके लिए जो आप हमारे पेड सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं, जिसके अंदर जो हम आपके पर्सनलाइज काउंसलिंग करते हैं। बहुत सारे यार स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों के वीडियोज ऑलरेडी मैं अपलोड करता रहता हूँ, जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होता है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद वगैरह में, स्पेशली BBA वगैरह के लिए बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में CUET का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, आप जो है जाके वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो फॉर काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, ओके। सो यार इस प्रकार से सारा सीन है, जैसे आपका कोई भी डोमेन है, क्योंकि मान लो वो 200 मार्क्स का आपका हो रहा है, जैसे 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 × 5 200 हो गया, अब आपको 200 में से कितना लाना पड़ेगा, तो यार आप ट्राई करो कि एटलीस्ट 140 से लेके 170 तक अगर आपके हार हैं, देन आप जो है टॉप रैंकिंग के अंदर आ रहे हो,
बेसिकली यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर BHU वगैरह में जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो उनके तो नंबर कटने के चांसेस ही बहुत कम होते हैं और उनके नंबर कटते ही नहीं है, वो इतनी अच्छी से प्रिपेयर करते हैं। इस कारण ही जो ऐसे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ का जो कट ऑफ है वो आप ये मान के चलो कि एटलीस्ट 99% तक रहता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि काफी ज्यादा बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। अब ऐसा इशू नहीं है कि जिन बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे उनको एडमिशन नहीं मिलेगा यार, जस्ट लाइक अगर अपन बात करें आपको एडमिशन का जो सीरीज रखना चाहिए, जैसे DU के कॉलेजेज हो गए, ठीक है, BHU हो गया, GNU हो गया, जामिया हो गया, उसके बाद आप कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टारगेट कर सकते हो। CU राजस्थान काफी अच्छा है, CU हरियाणा काफी अच्छा है, CU कर्नाटका आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, CU पंजाब स्पेशली PG कोर्सेज के लिए आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज काफी अच्छे अच्छे आपको मिल जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी कम नहीं है, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज बकवास भी खराब भी है। उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप प्राइवेट को इंडिविजुअल चेकिंग करने के बाद प्राइवेट में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आई नॉट रिकमेंडेड प्राइवेट बिकॉज बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जो कि जिनका कहीं कोई डिटेल ही नहीं है, तभी उन लोगों ने भी सीओटी में पार्टिसिपेट कर लिया, तो ये काफ़ी गलत है। तो आप इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। CUET UG एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उसका आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो